यहाँ पे पप्पू भाई के वड़ा पाव बहुत ही फेमस है। हाँ, 18 महीने का बच्चा और इतनी मैच्योरिटी उसने गेन की है, बहुत अच्छा लगता है। राजू बोल रहा था कि यहाँ पे राजू पट्टी समोसा बहुत फेमस है, तो अभी हम खाएंगे पट्टी समोसा। ब्लॉग में आपका होस्ट और दोस्त धवल पाटिल और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल डीपीस ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ बड़ौदा। बहुत टाइम बाद, मतलब 1.5 साल से मैं ट्रेन में नहीं गया था, बाइक और कार लेके ही उधर घूम रहा था। तो आज 1.5 साल के बाद मैं ट्रेन में बैठूँगा, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं घर से सोच कर आया था कि एक्सप्रेस में सुपरफास्ट में जाऊँगा, पर अभी भी रेल गवर्नमेंट ने वो एक दिन पहले और रिजर्वेशन वाला अभी सिस्टम बंद नहीं किया है, तो मुझे लोकल में जाना पड़ेगा। जब मैं 2 घंटे में पहुंचने वाला था वहां पे, अब मुझे 4 घंटे लगेंगे। तो अभी मेरी ट्रेन यहां पे आ रही है, तो अपन इसमें जाएंगे अभी मेमो में। यहाँ पे लोकल ट्रेन अगर साइडिंग में ना निकले ना, तब तक ये लोकल का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे जैसे मैं अंदर बैठा तो वैसे ही ट्रेन साइडिंग में निकली, मतलब साइडिंग में, मतलब अभी यहाँ पे या तो एक्सप्रेस निकालेंगे, गुड्स निकालेंगे, या तो कोई भी ट्रेन यहाँ से अभी निकालेंगे। तो मतलब फुल ऑन लोकल ट्रेन वाला आज एक्सपीरियंस होने वाला है फिर से। तो ये आया है भरूच, और यहाँ पे पप्पू भाई के वड़ा पाँव बहुत ही फेमस है। जब हम लोग कॉलेज करते थे भरूच में, तब हर रोज़ पप्पू भाई के वड़ा पाँव यहाँ पे खाकर ही घर जाते थे। तो पुरानी कॉलेज वाली यादें ताज़ा हो गई। और ये रहा भरूच स्टेशन, बहुत ही चेंज हो गया है। और पूरे ट्रेन में गुजरात टूरिज़्म वाले ने सारे पोस्टर लगा के रखे हैं, गुजरात में क्या क्या फेमस प्लेसेस है उसके आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की है। तो फाइनली मैं बड़ौदा पहुंच चुका हूं, और अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाऊंगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 की तरफ। बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया, मुझे लगता था कि 10 बजे तक पहुंचाएगी, पर ये 9 बजे ही पहुंचा दिया मेमू ने। सॉरी, मैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म से 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा। और बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे बहुत चेंजेस भी किए हैं। और अभी ये पेंडेमिक की वजह से पूरा स्टेशन खाली खाली है। जब मैं 1.5 साल पहले आया था तो बहुत ही ज़बरदस्त रौनक रहती थी यहाँ पर अभी लॉकडाउन की वजह से और ट्रेनें नहीं चालू हुई इसकी वजह से पूरा खाली खाली है अब देखो। और यहाँ पे मैंने पीछे एक बार फ़ोटो भी डाली थी, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है यहाँ पे बड़ौदा। तो बस अभी अपन को जाना है हरिनगर, तो चलिए चलते हैं अभी। तो स्टेशन से तो मुझे ऑटो मिलेगा नहीं, तो मुझे मेन रोड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक है ही नहीं, कुछ नहीं है, पूरा स्टेशन खाली था। जो अभी एक मेमू ट्रेन आई है लोकल, उसमें से जो आएंगे वो फिर मेन रोड पे जाके ही रिक्शा पकड़नी पड़ेगी। तो ये है हरिनगर ब्रिज, और अंशु का बॉर्न हुआ था इस हॉस्पिटल में, ऋतुज हॉस्पिटल।
तो अभी अपन चलते हैं, मैच बड़ौदा क्यों आए वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये स्टॉल डाला है पूजा ने, तो अभी दशा माँ के व्रत आ रहे हैं तो सब घर में मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो पूजा को बहुत शौक है मूर्ति बनाने का और सेल करने का, तो इसने इस्कॉन टेम्पल के सामने, ये है इस्कॉन टेम्पल और उसके सामने ही उसने स्टॉल डाल दिया है। और दशा माह के बाद अगले महीने में आएंगे गणपति बाप्पा, तो उसकी भी इको फ्रेंडली मूर्ति सेल करने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो कॉन्टेक्ट ज़रूर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। तो अभी मैं मिलूँगा अंश को और अंश का रिएक्शन देखेंगे कि अंश क्या रिएक्ट करता है। अंश को मैं पूरे एक महीने बाद मिल रहा हूँ, हम लोग माउंट आबू गए थे उसके बाद मैं अंश को आज ही मिलूँगा, मतलब एक महीना कम्प्लीट हो गया है। तो उसके मामा के साथ बहुत मस्ती करता है वो यहाँ पे, तो आज मुझे देख के उसका रिएक्शन अपन चेक करेंगे। अब तक आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है आपको, मतलब लोकल ट्रेन का क्या एक्सपीरियंस आपका, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताना। कौन है रे पप्पा? ओ कौन है पप्पा? दादा खोल चाल बिटुआ बेटू, कौन है रे अंजू? हाँ शिया, चल बोलो। ओ बाऊ, बाप रे कौन था बाऊ ये? रुद्र। ओ हाँ हाँ दुलेश, हाँ भी तू हाँ दुलेश, हाँ चल। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल रात को अंशु मुझे देख के इतना खुश हो गया था कि ताली बजाने लग गया था, और मेरे पास पहले आया नहीं, पहले मुझे उसने हाथ धोने को कहा, उसके बाद मेरे पास आया। मतलब 18 महीने का बच्चा और इतनी मैच्योरिटी उसने गेन की है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं सीधा आया हूँ स्टॉल पे, देखो पूजा यहाँ पे मूर्ति को सजा रही है, और मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ इस्कॉन टेम्पल के सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे महाप्रसादी चलती है हर रोज़, तो यहाँ पे लाइन में सब प्रसादी लेने के लिए आ गए हैं। और आज मुझे बड़ौदा में 2-3 काम है, और एक तो सबसे पहले ये काम है कि मैंने जो एक्शन कैमरा लिया है उसके लिए मेरे पास SD कार्ड नहीं है, U3 वाला, हाई स्पीड वाला, इसके लिए मेमोरी कार्ड चाहिए। एक हफ्ते से मेरे पास आके ऐसे ही पड़ा है, पर इसका मेमोरी कार्ड ही नहीं है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज अपन जाएंगे, तो कुछ कंसारों को मैंने मेमोरी कार्ड का पूछ लिया है, उसने मुझे एक एड्रेस दिया, अपन सीधा वहीं पर जाएंगे। और बस इसकी सारी एसेसरीज या जो मिलता है वो अपन परचेस करेंगे। तो ये है प्रेम इलेक्ट्रिकल, और यहाँ से हमने लिया है हेलमेट माउंट, माइक्रो SD कार्ड और WD का कवर, मतलब हार्ड ड्राइव का कवर, जो अपन एक्शन कैमरे में यूज़ करेंगे। तो बस इतना शॉपिंग किया है, और अगर कुछ भी कैमरे के रिलेटेड आपको कुछ काम है बड़ौदा में तो प्रेम इलेक्ट्रिकल को विजिट करना, ये सर ने बहुत हेल्प की है मुझे। और बस अभी चलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा काम था SD कार्ड का, वो यहाँ पे मैंने ले लिया है। तो अभी मैं एक्शन कैमरा का, मतलब जो रिव्यू था वो आपके सामने रखूँगा कि कैसे मंगाया, क्या क्या मुश्किलें आई। तो फाइनली ये मिल गया है मुझे, कितने में आया क्या है मैं आपको सब बाद में बात करूँगा। तो अभी चलते हैं दूसरे मोबाइल जो मार्केट है यहाँ पे बड़ौदा में, वहाँ से एक रिंग लाइट लेनी है छोटी, तो चलते हैं वहाँ पर। तो अभी एक्शन कैमरे का सब काम ख़त्म हो गया है, मैंने लाइट भी लिया है, रिंग लाइट। और अभी दादू बोल रहा था कि यहाँ पे राजू पट्टी समोसा बहुत फेमस है, ये सूरसागर लेक के पीछे ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखते हैं पट्टी समोसा कैसा होता है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम खाएंगे पट्टी समोसा, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, और दादू ने बोला कि बहुत ही फेमस है, तो देख लेते हैं कि कैसा है।
और यहाँ पे प्याज और मिर्च भी खाते हैं, बहुत ही मस्त है, टेस्ट भी अच्छा है। तो अगर बड़ौदा आना होता है सूर सागर पे तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करना, राजू पट्टी समोसा। और मैं फ्यूचर में मतलब आप बोलो, अगर कमेंट में बताओ कि फूड ब्लॉगिंग चालू करो कि नहीं, मुझे फूड के सारे ब्लॉग्स बनाने हैं। तो बस अभी मैं एंजॉय करता हूँ पट्टी समोसा। तो यहाँ पे मैं बड़ौदा से निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है ओस्मो एक्शन में। तो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वाइड एंगल भी बहुत अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, वॉइस आ रहा है कि नहीं कैसा है आप बताना। और अभी ये वाली सरकारी बस में मैं आया हूँ और अभी हम रुके हैं होटल रौनक में, तो बस थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। जैसे मैं मेरे होम टाउन पे उतरा तो मेरा भाई उजैर यहाँ पे मुझे लेने के लिए और निकुल मुझे लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे, मेरा स्वागत करने के लिए आए थे। तो स्वागत तो नहीं पर मुझे लेने के लिए आया था, ऐसे भी मुझे घर पे जाना था तो ये लोग इधर ही घूम रहे थे, तो बस साथ में अभी घर पे जाते हैं। अभी बाइक राइड का हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी पता चलेगा एक दो दिन में कि हम क्या करने वाले हैं, बस देखते हैं। और मिलते हैं अगले ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।